देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। प्रतिभावान होते हैं दिव्यांग बच्चे, विंकल शुक्ला ने ये कहा। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अन्य विद्यालय दुर्गा कुंड के सभागार में दिव्यांग बच्चों के साथ आयोजित आज रंग वर्षा कार्यक्रम में अतिथियों ने अबीर गुलाल संग खूब होली खेली। इस अवसर पर बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक हास्य व्यंग्य हास्य गीत संगीत व भजन कार्यक्रम की प्रस्तुति कर सभी लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विंकल शुक्ला ने कहा कि दिव्यांग बच्चों से मेरी दिली रिश्ता है, सचमुच में ये प्रतिभावान होते हैं। प्रारंभ में मुख्य अतिथि ने भाई की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कुमार मिश्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर विद्यालय के बच्चों के बारे में बताया। अतिथियों का स्वागत व आभार ट्रस्ट के प्रबंधक नीरज दुबे व संचालन सुनील श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैं ताज मिसेज इंडिया खादी 2022 के विंकल शुक्ला, पूरे भारतवासियों को मेरा नमस्ते। ये सबको हैप्पी होली हमारी तरफ से। आज मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गापुर वाराणसी में आई हूँ मुख्य अतिथि के तौर पर। मुझे इनवाइट करने के लिए नीरज दुबे जी का और मैनेजर साहब का बहुत बहुत, मैनेजर साहब नीरज दुबे जी, प्रिंसिपल साहब का बहुत, विजय कुमार मिश्रा जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे विद्यालय के टीचर का, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और इस रंग भरी होली में सेलिब्रेट करके मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि होली में सारे गिले शिकवे दूर करके रंग में रंग जाना चाहिए। जी सॉरी, देखिए होली इसलिए नहीं होती है कि शराब और गांजा ये सब पी के सेलिब्रेट करें, इसका मतलब नहीं होता है। देखिए होली एक रंग उत्सव है, आप इसे, और हम ये नहीं कहेंगे कि होली में आप कलर भी डालिए किसी के ऊपर जिससे इन्फेक्शन हो, आप गुलाल से होली खेल सकते हैं। मेन होली खेलने का मेरे हिसाब से यही मतलब होता है, आप गुलाल से होली खेलिए और रंग में रंग जाइए, यही होली है। एक दूसरे से प्यार बनाए रखें, एक दूसरे से प्यार से रहें, यही होली है। शराब पीना, गांजा पीना, ये कोई होली नहीं है। मैं नीरज दुबे, मैं पहले तो श्रीमती विंकल शुक्ला जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे विद्यालय में आई और रंग वर्षा कार्यक्रम में भाग ली और मेरे दिव्यांग बच्चों के साथ संगीत का प्रोग्राम की। इनका नेचर जो है बहुत ही कोमल नेचर है, इनको अपने ये इतनी ऊंचे पद पे होते हुए भी बहुत सिंपल सी रहती हैं, और हमारे अंध विद्यालय के बच्चों के लिए ये कभी भी, चाहे जब भी मैंने इनको बुलाया है, ये तुरंत चली आती हैं, क्योंकि इनका बच्चों के साथ बहुत लगाव है। ये बच्चों के कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहती हैं, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, ये हमेशा यहाँ उपस्थित रहती हैं। इनके जैसा कोमल स्वभाव हमने आज तक नहीं देखा। विगत 25 वर्षों से मैं अंध विद्यालय में सेवारत हूँ, लेकिन ऐसी महिला जो कि मतलब इन बच्चों के प्रति इतनी उदारता प्रकट करती हैं, हमारे सामने नहीं आई है कोई। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पूरे भारतवर्ष में होली के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो शराब और गाजा भांग का सेवन करते हैं, ये नशे के पदार्थ से दूर होके अच्छी खासी हम लोग की होली है, रंगों की होली है, रंग अबीर गुलाल का होली है। आप ये करिए और अपने घर में मिठाइयों का सेवन करिए, गुजिया का सेवन करिए, लेकिन ये नशों से दूर रहे। आजकल के बच्चे, आजकल के यंग बच्चे, ज़्यादातर लोग नशे किया वो शौक पाल लिए हैं कि आज होली है तो पीना ही है। मैं उसके एकदम विरोध में हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यंग बच्चा जो मेरे भारत का भविष्य है वो अपना जीवन खराब करे। धन्यवाद सर। सर देखिए, ये जो मशान की होली है, अगर जहाँ तक मुझे अनुभव है, ये बहुत पाषाण काल से चला आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। ये जो मशान की होली है ये सामान्य जन के लिए नहीं है। अगर आप पुराणों में जाएंगे तो ये केवल औघड़ लोग खेलते थे, न कि ये आम जनता खेलती थी। आजकल के जनता को केवल फैशन चाहिए, फैशन की वजह से ये मसानों की होली जो है ये इतना पॉपुलर कर दिए। नहीं तो आज से 20 साल पहले कोई मसान की होली जानता नहीं था।
मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। यंग जनरेशन मेरे पुराने ढर्रे पे जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो उसमें अश्लीलता परोस रहे हैं, जो शराब पी के बियर पी के लड़के लड़कियां जा रहे हैं, मैं लड़कियों के विरोध में नहीं हूँ। आप लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहिए, आप अपनी मर्यादा में रहिए। कोई भी काम खराब नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सब करे, लेकिन मर्यादा के साथ। जो हमारे आपके बीच में मर्यादा है उसको बनाए रखें, इंजॉय करिए। मशान की होली केवल अवगढ़ के लिए उस समय था, आज जनरेशन चेंज हो गया, सब लोग चाह रहा है कि हम लोग खेले मशान की होली, तो खेलिए, लेकिन उसमें अश्लीलता मत प्रकट करिए ना। जैसे वो अवगढ़ दानी लोग के लिए था, वैसे आप लोग भी अवगढ़ बनिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नशे में चूर होके जाके घाटों पे आप अश्लीलता परोसे, इसके मैं विरोध में हूँ।